मागील भागात आम्ही इस्रायलच्या तेल अवीव येथील विमानतळावरून चेक रिपब्लिक मधील प्राग या शहरात उतरलो. ज्याप्रमाणे इस्रायलच्या विमानतळावर आम्ही बसने आलो होतो त्याचप्रमाणे येथे सुद्धा विमानतळापासून टॅक्सी न घेता बस आणि थोडे चालून हॉटेलपर्यंत पोहोचलो. सामान ठेवून व तोंड धुवून आम्ही हॉटेलच्या बाहेर पडलो. आता यापासून पुढे तुला ह्या गोष्टी काही चालणार नाही आहेत म्हणून मी खायला. इथे ट्रॅमचं जाळं पडलं आहे अख्ख्या शहरामध्ये. किती छान वाटतं ना बघायला, आपल्याला सवय नाही. ही फार जुन्या काळातली व्यवस्था आहे ट्रॅमची. मग ट्रॅम अगदी नवीन आहे. सिग्नल वगैरे काय नाही हा, असंच जायचं. ये आयुष्यात तुझा कधी कोणी स्लो मोशन काढलं नसेल. सांभाळ सांभाळ, रुळांमध्ये पाय नाही ठेवायचा, अडकेल. इथे आली की आली, चल पुढे चल. हे बघ ट्रॅम कॅफे, छान आयडिया काढली कोणीतरी. जुनी घेतली ट्रॅम, तिथे ठेवली आणि त्याच्यामध्ये कॉफी हाऊस बनवलंय. बाहेर बसायला जागा, आतमध्ये पण आहे. मला खूप इच्छा येते यायची. हे बघितलं मग मी मार्क्स अँड स्पेन्सर, नंतर येऊ शॉपिंग करायला तुझ्यासाठी. लंडनमध्ये गेलो होतो ना आपण. झालं, आता अडकलीस तू. इंडियन मिळणार म्हणजे अडकलीस तू. ती आंबारीवरची छत्री आहे, अतिवर लावतात. खुर्ची पकड, बसताना नाही करायचं. हो हो, सॉरी. पैस पैस घेता येणार नाही. उगाच पाठीत भरण्यासारखं करू नकोस. थँक्यू थँक्यू. हा तो मेल से वो सब अमृतसर के लेके आए हैं आप. मेल जो कस्टमर होते हैं उनको मिलते मेल भेजना. अच्छा, वैसे मेल. अभी इनको टाइम लगेगा. हाँ देखिए, मैं अभी और बाद में उनको और सवाल होंगे. ठीक है. और ड्रिंक बता दीजिए, मैं ड्रिंक लिया था तब तक. तो क्या पहला क्या पाइजिए? क्या है सर, क्या चाहिए? और ठंडा भी नहीं चाहिए. लिमिटेड पिएंगे. तुला काय पाहिजे होतं ना पहिला, ते मग. कॅरेट ज्यूस आहे. कॅरेट गाजर का ज्यूस. फिर ज्यूस कौन सा है? मेरे पास ज्यूस है पाइनएप्पल का, ऑरेंज का और एप्पल. वेरी गुड, पाइनएप्पल. ठंडा नहीं चाहिए? ठंडा नहीं चाहिए. अब खट्टा भी नहीं चाहिए? नहीं, पण तो खट्टा नहीं कहे तो फ्रेश नहीं है. बाटलीतला बाटलीत मिळतो ना. कसं आहे वो? फ्रेश नहीं है ना पहले? वो बोतल में. यानी कि पिएंगी नहीं? ठीक है, खाने का सोचो. चलो खाने का देखो फिर. मैं आती हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. समोसा है. थैंक यू. और हम बकरे की बिरयानी खाएंगे. लैम्ब बिरयानी? हाँ जी. उसमें आलू होगा? नहीं. अब बैदा होगा? बैदा. बैदा क्या होता? अंडा होता मुर्गी का. नहीं, नहीं. वो भी नहीं होता. नहीं. यानी कि वो किस किस्म की बिरयानी है? लैम बिरयानी है सिर्फ, लैम डालते हैं. लेकिन किस किस्म का? पंजाबी है या स्पाइसी? स्पाइस कौन सी? दिल्ली जैसे होते हैं, जैसे दिल्ली में. हम खाएंगे, हमें पता चल जाएगा. ठीक है. अगर बाकी की चीजें नहीं है तो शायद वो बकरा ज्यादा होगा उसमें. मम्मी कुल्फी वगैरह पण आए थे, मैंगो कुल्फी, पिस्ता कुल्फी. हाँ, तो बस तो वो प्रॉन्स का वो डिसाइड करेंगी. तो उनके लिए कौन से वो एक ही किस्म के है? समोसे एक ही किस्म के हैं ना, जो कैशियो और मटर के हैं. हाँ जी. हाँ, हाँ जी. तो एक प्लेट में कितने आते हैं? दो. दो आते हैं तो एक एक प्लेट काफ़ी है. हाँ, उनको आप प्रॉन भी खाना है तो एक प्लेट समोसा और हमारी वो बकरे की दिल्ली वाली बिरयानी. ठीक है. और नहीं, शेफ गढ़वाल से हैं जी. गढ़वाल से हम? गढ़वाल से हैं. नहीं, शेफ. शेफ? हाँ, शेफ गढ़वाल से. अच्छा अच्छा. आप हम तो एक्चुअली इंडिया में बम्बई से. मुंबई से? हाँ, मुंबई. लेकिन हम रहते हैं इसराइल में. अच्छा. तो बम्बई के बाहर कभी हम गए नहीं. अच्छा. मैं भी नहीं पंजाब के बाहर कभी गई. ऐसे ही बता. बस दिल्ली में गई थी पेपर जमा करवाने अपने. छोले भटूरा तो मिलता होगा. है? ये देखो. है ये सामने आपके. हाँ, तो मेरी तो नजर बकरे पे गिरी, उसके बाद में छोले भटूरे छोले कुलचे.
छोले पूरी है या भटोरा है? भटोरा। हकीकत में भटोरा है, हम तो छोले भटोरे हैं। सर, वो हाँ जी पूरे, वैसे तो हम पूरे प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं। मैं भी नॉन वेजिटेरियन। नहीं हाँ, लेकिन हम प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं। तो बकरे की खा लेते हैं। नहीं, आप वेजिटेरियन हैं आपने कहा। हाँ। मैंने कहा मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, यानी कि हम सैलेड वगैरह खाते नहीं। हाँ। तो अभी फिर आप वेज बन, आज तो बन बना दिया आपने, चलो भटूरे कर दूं बम्बई में। और उसमें वो खजूर की चटनी होगी ना? खजूर की चटनी नहीं होती? नहीं, मैं उसमें प्लेट में छोले होंगे, भटूरे होंगे, ऑनियन, प्याज और रायता। बढ़िया, अच्छा, वो आने दीजिए। So, इतनी बातें करके इतना सही मंगाया। अगली बार बोलेंगे वो छोड़ दो, आपके लिए यहाँ कुर्सी लगा देंगे। अपनी वतन का कोई मिलता है तो बहुत आनंद होता है। बातें करूंगी कि हाँ जी, मैं भी जो कोई जो भी देखती हूँ बहुत बातें करती हूँ। जो मेरा कॉलेज है ना, मैनेजर वो डांटते, तुम इतनी बातें क्यों करती हो? तुम बहुत बातें करती हो। मैं उसके साथ भी बातें करती रहती, काम कम करती हूँ। वो तो अपने हिंदुस्तान में की आदत है। हम भी तो वही करते हैं। और आपके शेख का नाम क्या है? विजयलाल। विजयलाल इनके जैसे ही है। हमारे जैसे हैं? हाँ। यानी कि टकले। हाँ जी। तो इसके लिए कहा उनके जैसे हैं। अच्छा, अगर मौका मिला तो हम उनसे मिलेंगे। बुलाओ अभी। अभी नहीं, अभी नहीं, कल, आज खाएंगे। ओके, कल कुछ और खाएंगे तो कुछ पूछने के लिए भी होगा। ठीक है, आज मत बुलाऊं क्योंकि बार बार ना हो। कल या परसों हम वापस आएंगे। हम यहाँ पे 10 दिन थी। अच्छा। नज़दीक में है। अच्छा, तो आना जाना है। आप हर रोज होते हैं यहाँ पे? मैं सैटरडे मेरी छुट्टी होती है। सैटरडे मैं लिख के रखता हूँ कि सैटरडे नहीं आना। मैंने पैसे नहीं कमाने। तो पहले आपको समोसे चाहिए और भटूरे, जो भी पहला आएगा। अभी तो भूख लग गई। कुछ अभी सूरज ढला नहीं। ये क्यों? हमारे यहाँ ये असूल है, जब अच्छा। सूरज ढलता है तो बोतल खुलती है। अच्छा, तो हम पूरा उसको समाल... कौन सी पानी की, अल्कोहल की? पानी क्या, कौन सा होता है पानी? वाटर की या अल्कोहल की? अल्कोहल की। अच्छा, तो पहले पानी तो पी सकते हैं आप? नहीं, वो उसके लिए जगह रहनी चाहिए ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू जी। तुला कोळंबी झाली का बघून? कोणती पाहिजे ती? तेच सांगते। काय? चिली गार्लिक। चिली गार्लिक मागवतेस? ओके। मम्मी हे छोले भटुरे मी मागवले ते पण 250 ला, ते चिकन बकऱ्याच्या बिर्याणीच्या सारखीच किंमत आहे। मी तर मुलीच्या बोलण्यामध्ये भाळून मागवले, त्याच किमतीला मी आता बटाटे आणि काय ते चणे खाणार? असंच असतं, मुलींकडे पाहून मागवलं तर माणूस फसणार नाही का? पाहिलं, पाहून मागवलं वगैरे काय नाही, मला पण खायचं होतं, तिने आठवण दिली मला म्हणून मागवलं। काय झालं की काय? पण नुसतं टोमणे मारतेस तू। टोमणे नाही रे मारत, थँक्यू। आवडले का मम्मी? दिसतंय तर छान। काकडी काय करायची समोसा बरोबर? एक तुला एक मला। वाटतंय तर कुरकुरीत। तुम भाजे ना? खरोखर चांगलं आहे ना? हो, दिखने में तो काफी बढ़िया है। नहीं चाहिए। मला वाटतं मी जवळजवळ 35 वर्षांनी खरोखरच छोले भटुरे खाते, पुऱ्या खाल्लेले आहेत, मात्र भटुरे नाही खाल्लेत। मला वाटतं त्या घसीटारामकडे याच्यापेक्षा मोठे असायचे ना भटुरे? मला आठवतं, मात्र इतक्या वर्षाने एवढं मिळालं तर नशीब। फारच छानच दिसते मला। मला आता पावभाजीची आठवण आली, दादरच्या बाहेर मिळायचं ना। आता सामोसा खाऊ का छोले भटुरे खाऊ? मी चला आता मुलीच्या नादात तिचं ऐकून छोले भटुरे मागवले ते खातो। अरे मम्मी हे बघ कसे मस्त आहेत, कुरकुरीत आहेत तर छान। आहे खरोखर छान, मात्र का मला प्रत्येक गोष्ट खारट लागते मला कळत नाही। समोसा पण मला खारट वाटला, तुला नाही वाटला?
थोड़ा वाटला मोठा घास इतना गरम होता इथे काढता पण येत नाही घरात काढलं असतं पटकन नेहमी मी तुला सांगते गरम गरम असतो नेहमी सांगते घे तुला घे असा कसा विसरला मुलगा तुला पुरी घे घे चांगली कुरकुरत आहे बघ कशी बघ कशी बघ खाली पडत नाही बघ मैद्याचे आवडली तुला नाही खारट लागत थोडी लागते आता मी म्हणाली म्हणून लागते तुला लोणचं आहे ना बाटलीतलंय भजी मागवलीस कोळंबी नाही मागवलीस कोळंबीच मागवणार होते हा पण ती सालासहित आहे हा इथे खातात खूप ठिकाणी इथे खातात सालासहित खातात नाही मला नाही आवडत ए भजिया आपके पास मीठी चटणी आहे क्या कौन सी मीठी हमारे मैंगो चटनी है और मिंट सॉस है और पिकला नहीं मैंगो चटनी मीठी होती है हाँ जी चलेगी ही काय भाजी मम्मी अशी असते काय भाजी कांदा आहे आणि तो बेसनच्या पिठात मिक्स केला आहे आणि तळला आपण ले जा सकते ही काय मँगो चटणी काय मला नाही आवडली तूच खा अरे असं कसं बोलून चालेल युट्यूबमध्ये व्हिडिओ घालत आहे ना वाव काय आहे असा प्रकार कधी खाल्लाच नाही सगळ्यांच्या व्हिडिओमध्ये हेच असतं जसं काय जगातले सगळे चांगले प्रकार ह्यांनाच मिळतात खायला मला तर थालीपीठासारखं लागतंय आवडली नसेल तर उगाच खाऊ नको पैसे दिलेत म्हणून मी काढून टाकतो आपल्याला इथे 10 दिवसांमध्ये जास्तीत जास्त 20 किंवा 30 पदार्थ खायला मिळणार आहेत आपण इथे जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी आलो आहे गेले 2 महिने एवढी काटकसर केली इस्रायलमध्ये तर आता या सहलीमध्ये पैशांकडे बघू नकोस नाहीतरी महाग पण नाही आहे इस्रायलमध्ये बाहेर एक सँडविच खातो त्याच्यामध्ये इथे 5 पदार्थ मिळतात असं काय तुकडे तुकडे करून खात आहेस कारण ते आतून कच्चे हळूहळू दर माझा हात आपको मिलके बड़ी खुशी हुई मुझे भी खुशी मिलके क्योंकि जब मुझे कोई इंडियन मिलता है ना मैं जब बातें करती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो अगली बार ऐसे के साथ मैं बैठ ही जाती हूँ हाँ तो अगली बार आपको बिठा देंगे हम यहाँ पे कोई बात नहीं वो सब पंजाबी आधे पंजाबी तो कौर होते हैं जिनके पीछे सिंह और कौर है वो सारे पंजाबी एक मुझे हेल्प चाहिए फिर अभी बोल दो ताकि मैं तैयारी करके आऊँ तैयारी नहीं अभी अभी हो जाएगा हाँ जी बोलो मुझे रिव्यू लिखवाना है आपसे जो नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना हाँ ये हमारे टेबल के नीचे स्कैन करना होता है और क्या क्या होता है टेबल के नीचे ये आप ऐसा करो किसी को बताना नहीं मैं आऊंगा कल या परसों आप लिख के तैयार रखो नहीं नहीं कॉपी पेस्ट आप लिख के रखिए मैं आपके सामने कॉपी पेस्ट कर दूंगा मेरे अकाउंट से आपको अपनी तरफ से लिखना है खाना कैसा लगा जो खाना नहीं अच्छा था वो भी इसके बारे में सर्विस कैसी लगी वो तो कच्चा था ना बीच में भजिया वो कैसे लिखूं मैं वो भी लिख सकते नो प्रॉब्लम वो अच्छा नहीं होगा हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के लिए ऐसा कैसे लिख सकते जो मालिक है ना ऑनर है फिर किचन वालों को बोलेगा वो आपको भगा देगा यहाँ से हमें नहीं बोलेगा वो किचन वाले को बोलेगा नेक्स्ट टाइम फिर वो बेकरी फूड लेते हैं ना अगली बार गलती ना हो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पंजाबी स्टाइल हो जो अंदर से कच्चा होता हो मुझे नहीं मालूम क्या है पंजाब पंजाब में कैसे नहीं खाते पंजाबी कोई होता ना ऐसे थाली मारता खुश रहो सदा सिर पर हाथ रख हाथ रख के बोलते हैं लेकिन वो तो शादीशुदा को कहते हैं ना नहीं वो बोलते नहीं जिसकी शादी होती है उसका बोलते सदा सुहागन लोग हाँ सदा सुहागन और मेरा कहना यह है जिनकी शादी नहीं हुई होती है उन्हें कहने की जरूरत पड़ती नहीं क्यों कुछ होते हैं वैसे सही बात बरं वाटलं तिच्यामुळे बरं वाटलं बाकी जेवण काय समोसा चांगला होता आणि ते हे खाल्लं ना खूप दिवसांनी खाल्लं तर ते चांगलं वाटलं मला त्या भजीने एकदम मजा घालवली हॉटेलवर जायचं तुला एवढ्या लवकर आराम करायचा हो आपण गेलो असतो ना कुठेतरी बाहेर काहीतरी खायला प्यायला केक वगैरे खायला असता मला आता झोप येते
ठीक आहे, थोडासा आराम कर आणि मग नंतर बघू कसं वाटतं ते. माझ्या मनामध्ये होतं कुठेतरी असं छान इथले कॉफी हाऊसेस आहेत अगदी राजशाही थाटातले, तिकडे जाऊन असं केक वगैरे काहीतरी खायचं. गेल्या रात्रीचा विमान प्रवासाचा शीण आणि आता ढोपर दुखत असून सुद्धा फिरल्यामुळे आई थकून गेली. बिछाण्यावर पळवताच ती गाठ झोपून गेली. मला खरे बाहेरची रात्रीची मजा पाहायची होती, मात्र ती न जमल्यास दुसरी व्यवस्था मी आधीच करून ठेवली होती. कसं ते उच्च मराठीत म्हणतात, प्लॅन बी